हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त एनके अपचापती। आज तारीख है 13 अगस्त 2023। एक हमारा ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर आज ओपन हुआ है। बाकी ये फ्लावर अभी एक दो दिन में ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ड्रैगन फ्रूट के फ्लावर में पोलिनेशन कैसे किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन होता है, क्योंकि ये फ्लावर रात के टाइम ओपन होता है, इसलिए इसमें पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मॉर्निंग में ये काफ़ी कम समय के लिए पोलिनेशन काफ़ी कम समय के लिए ओपन रहता है। अभी आप मॉर्निंग में 7 बज रहे हैं, ये 9 बजे तक ये फ्लावर मुरझा जाएगा, इसलिए इसे पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह कम टाइम के लिए ओपन होता है और रात में मधुमक्खियाँ ये नहीं आती, इसलिए इसमें पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा फ्रूट बन जाए। पोलिनेशन कैसे करते हैं, देखिए ये जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर में अब देख रहे हैं, ये देखें कि ये जो ये हल्का ग्रीन कलर का ये आप स्टिग्मा देख रहे हैं, और नीचे इसमें ये परागण निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे कण, ये इसका जो इसमें एक आप आटे टाइप, ठीक है, चूर्ण टाइप इसमें से निकलता है, और ये इसमें हमें टच करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आप स्टिक लीजिए, ये रही, और इस स्टिक को ऐसे इसमें घुमाइए और ये इस पर कर दीजिए। देखिए ये इसमें अब देखेंगे कि ये देखे हल्का येलो हो गई, ठीक है, ये इसमें घुमा के आप इसमें टच कर दीजिए, इससे इससे आपका पोलिनेशन अच्छे से होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में जो फ्लावर्स ओपन है उसका पोलिनेशन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।